मेरा नाम उमेर रुबाब है। ये जो केस था ट्रिपल मर्डर केस है, जिसमें मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर हुआ है, उस हवाले से मैं इंसाफ के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। आज जो केस हमारा लगा हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो DIG हैदराबाद, SSP दादू और SSP नवाबशाह जो JIT में हैं, वो आज कोर्ट में प्रेजेंट थे और उन्होंने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो दिखाई कोर्ट में। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रख के आती हूँ इंसाफ के लिए, और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से ही मुझे इंसाफ मिलेगा। रही बात पुलिस की, तो मैं यही बार बार कहती हूँ कि वो आई थिंक अंडर इन्फ्लुएंस है, तभी तो वो अरेस्ट नहीं कर रहे लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सबको पता है पुलिस अगर अरेस्ट करने पर आती है तो बड़े बड़े जो मुजरिम होते हैं उनको एक दिन में अरेस्ट करके लाती है। ये जो केस है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सिटिंग MPs जो हैं वो मर्डरर्स हैं मेरी फैमिली के, तो उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सिंध में। सब समझ सकते हैं कि रूलिंग पार्टी के जो MPs हों तो वो उनका कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो बस मैं अदालतें जो है इंडिपेंडेंट है, मैं अदालतों पे यकीन रखती हूँ, मुझे यकीन है कि अदालतें पुलिस से भी अमल कराएंगी और अदालतें मुझे इंसाफ देंगी।